धर्म अपने आप में परिवर्तित है, परिस्थितियों के आधार पर, जीवन के आधार पर, हमारे सोच के आधार पर। लेकिन अध्यात्म अपने आप में अपरिवर्तित है, वो स्टेबल है, वो दिग्गज है। लेकिन आध्यात्मिक सोच को रखना हमारा कर्तव्य है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक भगवान का एक प्रेयर का स्थान था, लोग आकर के प्रेयर करते थे। अब मैं धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, आप उसे गिरजाघर कह दो, आप उसे मंदिर कह दो, आप उसे गुरुद्वारा कह दो, कुछ भी कह दो, कि भाई जहां जाकर के लोग भगवान से प्रार्थना करते थे। तो चार लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। एक चारों लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। आगे पंडित जी थे या उस जगह के पुजारी थे, वो भी बैठे हुए थे, वो अपने श्लोक पढ़ रहे थे या भजन गा रहे थे, जिसी तरह से वो प्रार्थना कर रहे थे। तो लोग सब लोग संयम में बैठ करके कर रहे थे। एक व्यक्ति के मन के अंदर कुछ बात आई, मतलब प्रार्थना के बोल को सुन करके उसके मन के अंदर प्रश्न आया, और उस व्यक्ति ने पूरी प्रार्थना सभा को डिस्टर्ब करके, रोक करके, उसने वो प्रश्न पूछ लिया। तो स्वाभाविक है, अगर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो मैं प्रार्थना नहीं कर रहा। तो जिस चीज के लिए मैं आया था कि प्रार्थना करने के लिए, सबसे पहले वो पहले व्यक्ति ने उसी चीज का खंडन कर दिया। भाई आपने प्रश्न पूछ लिया तो सब लोग प्रार्थना से, मतलब उनका माइंड हट गया। जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ बैठा हुआ था, उसने ये बात व्यक्त कर दी कि भाई आप रुक सकते थे, जब तक प्रार्थना सभा समाप्त नहीं होती आप अपना प्रश्न बाद में भी पूछ सकते थे। तो एक व्यक्ति के अंदर से प्रश्न आया, उसने प्रश्न को कहा, उसने डिस्टर्ब कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने उस डिस्टर्बेंस को एक्सेप्ट कर लिया, वो डिस्टर्ब हुआ तो उसने अपनी बात व्यक्त कर दी। तीसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था तो वो मनी मन चुप रहा, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन से सोच रहा था कि हाँ ये दूसरा व्यक्ति तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, पहला व्यक्ति को सभा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। पर क्या है, वो मनी मन सोच रहा है तो वो भी प्रार्थना नहीं कर रहा जिसके लिए वो आया था। क्योंकि एक आदमी ने तो भाई अपने मन की भावना को व्यक्त करके वो प्रार्थना से दूर हो गया, दूसरा व्यक्ति कमेंट कर रहा है कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था, वो भी प्रार्थना से दूर हो गया, तीसरा व्यक्ति मनी मन सोच रहा है कि भाई ये इसने बिल्कुल ठीक कहा, चौथा व्यक्ति वहां बैठा हुआ है और चौथा व्यक्ति भी कह रहा है मनी मन में कि हाँ ये तीनों पागल है, मैं तो प्रार्थना करता रहूंगा, पर वो भी प्रार्थना नहीं कर रहा क्योंकि वो भी तीनों बात ये क्या कह रहे हैं, उसका मन वहां जाकर के अटक गया। अब चारों में से सही कौन है, इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रभावों से उस चीज को देखेगा। एक जिज्ञासु है तो कहेगा कि भाई अगर उसके मन के अंदर कोई बात प्रकट हुई तो इसमें खराबी क्या है, भाई अगर मैं नहीं जानता हूं तो मैं पूछ के ही तो जानूंगा। कोई व्यक्ति है जो बड़ा मतलब परंपराओं से बंधा हुआ है कि टीका लगाना है चाहे भगवान को याद ना करे, धोती पहननी है चाहे जीवन कैसा भी हो, मतलब ना वो ट्रेडिशनली बाउंड कि ये करना ही है, उसके पीछे ध्येय नहीं पता कि क्यों करना है लेकिन करना ही है क्योंकि भाई ये सिखाया गया है ट्रेडिशनली बाउंड, तो वो तो यही कहेगा कि नहीं दूसरा व्यक्ति सही है कि प्रार्थना का समय है, प्रार्थना समाप्त हो जाती वो अपने व्यक्ति के प्रश्नों को कर लेता। अब कोई व्यक्ति है जो ज्यादा व्यक्त नहीं करते, बोलते कुलते नहीं है, अपने मन से प्रभावित है, मतलब भावुक लोग होते हैं, भावनाओं से बह जाते हैं, तो वो तो यही कहेगा कि भाई मनी मन वो भी सोचेगा नहीं तीसरा व्यक्ति सही है। मतलब अपनी अपनी रूपरेखा से आप चारों उदाहरण के सपोर्टर्स समाज में पा लेंगे। ये धर्म है कि अपनी अपनी रूपरेखा से हम सत्य को देख रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम देख रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं यही सही है, और हमने एक रूपरेखा मन बना लिया कि भाई यही सही है, ये व्यक्ति जो कह रहा है यही सही है, बस इसी की बात हमें माननी है। अब आगे पीछे तर्क जो लॉजिक है, जो भगवान ने हमें इंट्यूशन दी है, क्वेश्चन करने की जो क्षमता है, जो जिज्ञासा है कि आप प्रश्न कर सकते हैं, ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। डेकार्टेस एक बहुत बड़े दूरदार्शनिक हुए, वो तो कहते ही थे कि हम सोच सकते हैं इसलिए हम जीवित हैं, मतलब ये प्रमाण क्या है कि आप जीवित लोग हैं। तो उसने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब मेरा सर्वस्व जो मैं हूं वो इस चीज के ऊपर टिका हुआ है कि मैं सोच सकता हूं,
मेरे अंदर भगवान ने ये कैपेबिलिटी दी है कि मैं संसार को देख करके संसार में प्रश्न उठा सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं। और जब आदमी ये प्रश्न करता है ऐसा क्यों नहीं, तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, वो विवाद कर रहा है, वो जानने की इच्छा रख रहा है ऐसा क्यों नहीं। और आज देख लो, आज जो जिस मॉडर्न वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इसकी परिभाषा ही इस बेसिस पे डिफाइंड हुई है कि किसी ने प्रश्न किया ऐसा क्यों नहीं। किसी ने चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो उसने कहा कि भाई हम चल रहे हैं, हम उड़ क्यों नहीं सकते। परिणाम क्या हुआ, लोगों ने मेहनत की और राइट ब्रदर्स हुए जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। और आज क्या है, आप पूरे संसार को हवाई जहाज से घूम सकते हैं। जो आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था एक समय में कि भाई हम अमेरिका जा सकते हैं, महीनों लग जाते थे जहाज का सफर करने में, आज कुछ ही घंटों की फ्लाइट में आप यहां से अमेरिका पहुंच सकते हैं, वो सफर आपने पल भर में तय कर लिया। पर ये तो किसी आदमी ने सोचा ना कि ऐसा क्यों नहीं, हम क्यों नहीं उड़ सकते, ये प्रश्न किया। जब खोजा तो उसने उस कैपेबिलिटी को अपने अंदर पाया। अब अध्यात्म क्या है, तो चार लोग थे, चारों की अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन आध्यात्मिक ओपिनियन ये नहीं कहती कि मैं प्रश्न पूछूं, इसने प्रश्न क्यों पूछा, तीसरा व्यक्ति मनी मन कह रहा है कि भाई दूसरे व्यक्ति को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, मतलब वो मनी मन दूसरे की समस्या को अपनी समस्या बना रहा है, और चौथा व्यक्ति क्या मनी मन कह रहा है कि भाई मैं इनसे डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं तो प्रार्थना करूंगा, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर रहा, वो केवल सोच रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा। मतलब चारों लोग डिस्कनेक्टेड हैं। अब आध्यात्मिक सोच क्या है, अगर इस सोच को हम समझ सकते हैं तो हम आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर ये उदाहरण समझ में ना आए तो भाई हम उन्हीं चारों कैटेगरीज में कहीं ना कहीं है कि हम तर्क करेंगे, सोचेंगे भाई ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों। अब आध्यात्मिक सोच क्या है, आध्यात्मिक सोच ये है कि मैं कौन होता हूं ये कहने के लिए क्या सही है क्या गलत। भगवान है, उसके भक्त है, भक्त किसी भी तरह अपने भगवान को बुलाए, अगर भगवान प्रसन्न है तो भगवान उसे दर्शन देंगे। मतलब बिवॉर्ड ऑफ ऑल जजमेंट, कि हम जज ना करें, जजमेंट पास ना करें। और कितनी आसानी से हम जजमेंट पास करते हैं, आप किसी अनजान व्यक्ति को मिलेंगे, अगर आपकी मनपसंद रंग की टी शर्ट उसने पहनी है, आपके मन के अंदर उसकी इमेज पहले ही बन गई कि अरे बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे। क्यों अच्छे होंगे, क्योंकि इसके रंगों की चॉइस और मेरे रंगों की चॉइस मिलती है, ये सबकॉन्शियसली हो रहा है। वो आदमी दुनिया का सबसे खराब आदमी होगा, लेकिन पहले इंप्रेशन में आप कहेंगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छे आदमी होंगे, जब मुंह खोलेंगे तब आप जानेंगे अरे ये तो बहुत बुरे आदमी है। लेकिन पहला अट्रैक्शन क्या है, आपने जज कर लिया, आपने जाना नहीं, क्योंकि आपको लगा कि भाई मेरी सोच और इसकी सोच सिमिलर है तो ये भी बड़ा अच्छा आदमी है। इतना इंस्टेंट में आदमी जजमेंट पास करता है। आप घर में हैं, किसी प्रियजन ने आपकी बात नहीं मानी, आप उससे गुस्सा हो जाते हैं, ये गुस्सा क्या है, ये जजमेंट तो है जो आपने पास कर दिया। आपने किसी को कुछ कहा, उसने आपकी बात नहीं मानी, आप कहते हैं अरे वो बहुत बेकार आदमी है। क्यों बेकार आदमी है, क्योंकि उसने आपकी बात नहीं मानी, केवल इसी के लिए, ये जजमेंट पास कर दिया। और ऐसे ही हम जज कर रहे हैं हर एक चीज को, और इसी के लिए हम धर्म से अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि धर्म में रहते रहते भी हम जज कर रहे हैं, अरे ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, तुम इस रंग का कपड़े पहनोगे तभी तुम धार्मिक कहलाओगे, अगर दूसरे रंग का कपड़ा, अरे रंग के कपड़ों से धर्म का क्या लेना देना, या भगवान का क्या लेना देना। भगवान ने तो सर्वस्व को बनाया है और सर्वस्व भगवान के अंदर समाया हुआ है। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये तू तब समझेगा जब तू पूरी दुनिया को मुझ में और मुझको पूरी दुनिया में देखेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सोचो कि सारी दुनिया में प्रभु हैं, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कितने सरल तरीके से समझा रहे हैं, एक सिंपल उदाहरण से समझा रहे हैं कि अर्जुन तू मेरी सत्यता को, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं, उसको तू तब तक नहीं समझेगा जब तक तू मुझ में सारी दुनिया ना देखे और सारी दुनिया में मुझको ना देखे। इसका मतलब जो आपकी विजन है वो सिंगुलर हो गई,
मतलब आप हर जगह प्रभु को देख रहे हैं, लेकिन क्या आप देख रहे हैं? हम शहर से कदम रखते हैं, हम लोगों को जातियों में विभाजित कर देते हैं, करते नहीं है। हम धर्मों में लोगों को विभाजित कर रहे हैं। अरे आप किस कौम से हैं? किसी को मिलते हैं उसका सरनेम पूछते हैं, और ये पद्धति आज भी होती है। मतलब एक वो पुराणों में कथा नहीं होती कि एक पंडित जी जा रहे होते हैं, बड़ी प्यास लगती है तो कोई पानी देता है, तो पहले तो पानी पी लेते हैं, फिर जब याद आता है कि बड़े इसका तो धर्म हमने पूछा ही नहीं, तो पानी तो पी लिया, जो होना था वो तो हो ही गया, अपने मन में ही हो गया। और फिर आप पूछते हैं किसी से, अरे आपका नाम क्या है, सरनेम क्या है, मतलब ये जान करके कि हमारी आध्यात्मिक परंपराएं टूट ना जाए। तो जो टूटना था तो पहले ही टूट गई, ये तो पहले पूछते, पर पहले प्यास लगी थी, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमने पानी पी लिया। फिर मन के स्वार्थ को पूरा करने के लिए या मन को दिलासा देने के लिए हम तर्क कर रहे हैं। हमारे मामा जी थे, आर्मी में थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। साउथ इंडिया वो प्लेन में जा रहे थे, तो उनके साथ एक और आर्मी के व्यक्ति बैठे हुए थे, और उनके बगल में एक पंडित जी बैठे हुए थे। तो पंडित जी ने अब देखा कि दो आर्मी अफसर हमारे साथ बैठे हुए हैं, बातचीत करने लग गए। तो पंडित जी अपने मंदिर के बारे में बड़ा सुनाने लग गए कि हमारे मंदिर की ये परंपरा है, ये है, और आज तक हमने पुराणों की परंपरा रखी है। तो जब उनने थोड़ा पूछा कि भी क्या परंपरा है, तो उन्होंने कहा कि जी हम पिछली भी जात के लोगों को अपने मंदिर में नहीं आने देते। अब ये बात जो हमारे मौसा जी के साथ जो दूसरे आर्मी ऑफिसर थे, वो जो ट्रैवल कर रहे थे, उनको बड़ी मन के अंदर खटकी। तो उन्होंने कहा कि भाई पंडित जी को भी सबक सिखाना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी बात ऐसी है, मैं तो आर्मी का अफसर हूँ, मेरी तो बटालियन मेरे नीचे है, कल मैं मंदिर में आऊँगा अपनी बटालियन के साथ, और मैं निम्न जाति का व्यक्ति हूँ, आप मैं देखता हूँ आप कैसे रोकोगे मुझे मंदिर में घुसने के लिए। अब बस पंडित जी के पसीने निकलने लग गए। वो कह रहे नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, आप इतनी पुरानी परंपरा को ये। तो कह रहे कि जी मिलने तो आर्मी है, मैं तो देश का सेवक हूँ, मैं तो आर्मी लेकर के आऊँगा, आप कैसे रोकेंगे। अब वो पंडित जी ने घूम फिर करके वो फ्लाइट में बैठे रहे, बड़े परेशान हुए। जाते जाते उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं आप तो देश की सेवा कर रहे हैं, इतना बड़ा दान कर रहे हैं, तो अगर आप आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई क्या एक पल में हमने किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए? तो यहां तक धर्म सीमित है, हमने आंखें नहीं खोली है। और आप देख लो भाई, अगर भगवान एक है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये कि धर्म अलग अलग क्यों है, सब किसकी बात कर रहे हैं? जब एक ही खुदा है, या एक ही अल्लाह ताला है, या एक ही परवरदिगार है, या एक ही रब है, तो हम अलग अलग धर्म किसकी बात कर रहे हैं? और अगर एक सत्य है तो एक सत्य की परिभाषा क्यों नहीं समझाई जाती? सब लोग सत्य को तोड़ मड़ोड़ करके क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो निजी डेवलपमेंट है, जो आध्यात्मिक डेवलपमेंट है, वो हुआ ही नहीं है। हम बाहरी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल ही नहीं है। अगर आदमी का संस्कार नहीं है, या पढ़ाई लिखाई नहीं है, और आप उस आदमी को मान लियो अपने गांव का प्रधान भी बना दो, तो वो आदमी क्या करेगा, क्या करेगा? जिसकी सोच ही नहीं है, जिसका विजन ही नहीं है, वो अपने गांव को आगे थोड़ी ले जाएगा। वो किसी की बातों में आएगा, इसकी बातों में आएगा, उसकी बातों में आएगा, ये नहीं जानेगा कि भाई प्रधान होने के नाते उसके हस्ताक्षर की अहमियत क्या है। कहीं भी साइन कर देगा, कुछ भी कर देगा, परिणाम क्या होगा? लड़ झगड़ के 5 साल बीत जाएंगे, गांव वही का वही है। लेकिन आप कहोगे कि नहीं, प्रधान है, हम सबसे शिक्षित व्यक्ति को बनाए, उस गांव वाले को बनाए जिसने और गांव को भी देखा है, वही तो व्यक्ति उस चीज को ला सकता है जो हमारे लिए जरूरत है। तो भाई सही जो स्थान है, सही व्यक्ति को देंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा। इसी प्रकार से जब हमारा अंदर का संयम ही नहीं है, अंदर का फाउंडेशन ही नहीं है जो अध्यात्म बनाएगा, जो एक नॉन जजमेंटल माइंड बनाएगा, तो हम धर्म की क्या बात कर सकते हैं? जब धर्म के प्रणेता ही कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी ये जात है, तुम्हारी वो जात है, तुम इस सोसाइटी के बिलोंग करते हो, हम इस सोसाइटी के बिलोंग करते हैं, तुम हमें नहीं छू सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात को ही कहा माना। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम मुझको सब में और सबको मुझ में नहीं, सबको समान रूप से नहीं देखोगे, सबको आदर और प्रेम की नजरों से नहीं देखोगे, तब तक तुम मैं क्या हूं वो समझ ही नहीं सकते।
तो जो भी लोग हैं जो आज धर्म के नाम पर विभाजित करते हैं, वो कुछ समझे थोड़ी है, वो तो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। और इसी के लिए हर एक व्यक्ति को आज जागना जरूरी है। हम एक आधुनिक जगत में रह रहे हैं, आधुनिक जगत की साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक अनपढ़ आदमी को भी शिक्षित बना दिया। कैसे? गूगल से। मुझे किसी विषय के बारे में नहीं पता, मैं गूगल करूंगा, उस विषय की सारी जानकारी मुझे मिल जाएगी। थोड़ा समय दूं, पढ़ूं, तो मुझे जो चीज मैं सपने भी नहीं सोच सकता था, जिसके बारे में मैंने पढ़ाई भी नहीं की है, उस चीज का ज्ञान भी आपको प्राप्त हो सकता है। आपको समय देना है, एफर्ट देना है। भाई जब आप दुनिया के सारे विषय के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, तो सही समय और सही कर्म से क्या आपके अंदर जो छिपी हुई ताकत है उसे आप उजागर नहीं कर सकते? उसके लिए भी स्टडी की जरूरत है। जिस तरह से गूगल में जिस चीज का आप सर्च करना चाहते हो उसके कीवर्ड डालने जरूरी है। कीवर्ड नहीं डालोगे, अब मुझे दिल्ली की सर्च करनी है, मैं कलकत्ता लिखूं, तो गूगल तो कलकत्ता के बारे में बताएगा ना, दिल्ली के बारे में थोड़ी बताएगा। आप जा रहे हैं दिल्ली, तो कोई आपका दोस्त कहेगा अरे दिल्ली का नाम तो लिखो, तभी तो दिल्ली के बारे में पता चलेगा। अब आप दिल्ली लिखोगे तो दिल्ली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कब दिल्ली स्थापित हुआ, किस किस राजा ने दिल्ली पे राज किया, कैसे कैसे दिल्ली में परिवर्तन हुए, और मतलब दिल्ली की सारी हिस्ट्री आ जाएगी। 7 दिन आगे मौसम भी क्या होगा दिल्ली में वो भी बता देंगे आपको, ताकि आप अपनी ट्रिप उस तरह से प्लान कर लो। तो कीवर्ड जरूरी है, सर्च इंजन है। ऐसे ही भगवान ने आपकी चेतना के अंदर एक आभार सर्च इंजन रखा है, जैसे गूगल है जो सारी इंफॉर्मेशन जान सकता है, आपकी चेतना इस ब्रह्मांड की गूगल है। लेकिन इस चेतना में कीवर्ड नहीं डाला, नाम सुमिरन नहीं किया, तो क्या है? गूगल भी आपके पास है, फोन भी आपके पास है, अगर आप टाइप नहीं करोगे तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप हर एक चीज को ले करके अपने साथ घूम रहे हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट से आप ही अनजान रहोगे। ऐसे ही एक मानव भी संसार में जी रहा है, चेतना उसके अंदर है, हम कभी सोचते नहीं कि भाई ये अद्भुत शक्ति कहाँ से मिली। हम श्वास ले रहे हैं, श्वास लेने के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल इन श्वासों ने हमें दिया है। लेकिन श्वास क्या है हम कभी प्रश्न पूछते ही नहीं, वो कीवर्ड है जो नाम सुमिरन उसे जीवन में लगाते नहीं, तो वो एक्सेस कैसे होगा? तो इसी के लिए अध्यात्म को अपने जीवन में विकसित करो, और अध्यात्म तभी विकसित होगा जब ये दीवारें जो हमने अपनी नजरों की, अपने मन की बनाई है, वास्ता की बनाई, इन दीवारों को हम तोड़ेंगे, इनसे परे होना सीखेंगे। एक दूरदार्शनिक तो बड़ी सुंदर बात कही, उनने कहा कि लोग दीवारें बनाते क्यों हैं? उसने प्रश्न किया, तो किसी ने कहा कि जी बुराइयों को बाहर रखने के लिए, कि भाई मैंने दीवार बनाई है तो समाज में कुछ कुरीतियां हैं जिनको मैं बाहर रखना चाहता हूं। लेकिन दूरदार्शनिक आगे क्या कहते हैं, ठीक है ये सोच तो बड़ी अच्छी है, आपने दीवार बना ली, लेकिन कुरीतियों को दूर रखते रखते आपने अपने आप को तो 4 दीवारी में बंद कर दिया ना। तो सच्चा समाज क्या है, उस एक्सपीरियंस से आप परे रहोगे, क्योंकि जो 4 दीवार आपने बनाई है वो केवल आपकी बनाई हुई दुनिया है, वो सत्य नहीं है। सत्य को जानने के लिए दीवार को तोड़ना पड़ेगा, सत्य के लिए को जानने के लिए सारे प्रभावों से गुजरना पड़ेगा, और संघर्ष यही है। अगर सोने का जो ओर होता है, अगर उसे तपाया ना जाए, तो सोने की जो गंदगी है वो कभी अलग नहीं होगी। ऐसे ही जीवन में संघर्ष से ही, जीवन में मेहनत से ही, जीवन में परिश्रम से ही जीवन का क्या सार है ये समझने को मिलता है। और अगर कोई शॉर्टकट बताए कि जी मैं कर दूंगा सब कुछ, तो उसका तो विश्वास कभी मत करो, क्योंकि भाई आपको भूख लगती है आप किसी और को खाना थोड़ी खिलाते हो, आपको भूख लगती है आप अपने आप खाते हो, आपको प्यास लगती है। तो ऐसे ही अध्यात्म को अगर आपको समझना है तो आपको कर्म करना है, और आप कर्म करोगे अपने आप से, सुमिरन करोगे, भक्ति करोगे, निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को जियोगे, तो जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है वो यथावर्त आपके साथ होगा। आप अपने आप में एक लिविंग वेद बन जाएंगे, आप अपने आप में एक लिविंग बाइबल बन जाएंगे, आप अपने आप में एक लिविंग कुरान बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले फाउंडेशन तो बनानी है ना। फाउंडेशन क्या है? कि प्रेम से जीवन को जियो, प्रेम की नजरों में डिवीजन नहीं होता है। लेकिन अहंकार जहां जाए, अभिमान जहां जाए,
जब वासनाएं आ जाए हम हर एक चीज को डिवाइड करेंगे, और यही हम करते हुए आए संसार में। आप देख लो, आप अपने जीवन को टटोलो, अपने जीवन की परेशानियों को जानो, आपके जीवन में परेशानी क्यों आई, क्यों लोग आपसे मुखर गए, क्यों आपसे लोग नाराज हो गए, तो कहीं ना कहीं आप जानोगे कि इस सब का कारण एक स्वार्थी मन था और कुछ नहीं। और अगर इसलिए का विश्लेषण आप कर गए, अपने मन का आप साक्षी बन गए, तो मन को सुधारने का रास्ता भी ये मन ही बताएगा और कोई नहीं, ये चेतना ही बताएगी। लेकिन उसके लिए मन का पवित्र होना जरूरी है, आध्यात्मिक चेतना जीवन में आना जरूरी है।